बॉलीवुड में सिंघम नाम से मशहूर अभिनेता अजय देवगन को हमेशा से ही एक मजबूत शख्सियत वाले इंसान के तौर पर देखा जाता रहा है। वैसे तो स्वभाव से ये काफी शांत हैं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये किसी की नहीं सुनते। भले ही ये इंडस्ट्री में अकेले पड़ जाएं, लेकिन उसका बदला ये जरूर लेकर रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वभाव से काफी शांत दिखने वाले अभिनेता अजय देवगन का गुस्सा बॉलीवुड के कई अभिनेताओं पर उतर चुका है, जिनमें से बॉलीवुड के भाईजान और खिलाड़ी कुमार का नाम भी शामिल है। आखिर ऐसा क्या कर दिया बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों ने कि अजय देवगन को इतना गुस्सा आ गया कि वो आग बबूला होकर इन दोनों से भिड़ गए। तो डियर सब्सक्राइबर्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। ये बात है साल 2006 की, जब विशाल भारद्वाज एक फिल्म बना रहे थे ओमकारा, जिसमें अजय देवगन और विवेक ओबेरॉय मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले थे। तभी सलमान खान ने डायरेक्टर विशाल भारद्वाज से विवेक ओबेरॉय को फिल्म से निकलवाने की सलाह दी। दरअसल इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि सलमान खान विवेक ओबेरॉय से चिढ़ते थे, क्योंकि उनकी वजह से ऐश्वर्या राय और सलमान का ब्रेकअप हुआ था, जिसकी वजह से सलमान खान ने विवेक ओबेरॉय का पूरा करियर ही बर्बाद कर दिया था। और तभी विवेक ओबेरॉय के हाथ ओमकारा फिल्म आई, और भाईजान बिल्कुल नहीं चाहते थे कि विवेक ओबेरॉय इस फिल्म में काम कर पाए। इसलिए सलमान ने डायरेक्टर विशाल भारद्वाज से बात की, लेकिन विशाल भारद्वाज ने साफ मना कर दिया। जिसके बाद सलमान खान ने अजय देवगन से बात की कि अजय खुद ही इस फिल्म से निकल जाए, ताकि हार मान कर डायरेक्टर भारद्वाज इस फिल्म को बना ही न पाए। लेकिन इसका उल्टा हुआ। अजय देवगन ने सलमान से साफ बोल दिया कि तुम अपने काम से मतलब रखो, विवेक ओबेरॉय इस फिल्म में जरूर काम करेंगे। और इस बात को सुनकर सलमान खान को इतना गुस्सा आ गया कि उनकी अजय देवगन से काफी बहसबाजी हो गई। और वहीं सलमान ने गुस्से में अजय देवगन को धमकी भी दे डाली कि ये बात तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन सलमान शेर हैं तो अजय देवगन सवा शेर हैं। भला अजय देवगन इस मामले में कैसे पीछे रह सकते थे। अजय ने भी बोल दिया, जा तुझे जो करना है कर ले, लेकिन विवेक ओबेरॉय इस फिल्म में काम जरूर करेगा। अजय देवगन की ये बात सुनकर सलमान खान चुप हो गए और वहां से चले गए। एक बार फिर से ऐसा ही एक किस्सा हुआ था अजय देवगन और अक्षय कुमार के साथ, जब अजय अक्षय से भिड़ गए थे। बात उस समय की है जब साल 2004 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, और उस फिल्म का नाम था खाकी, जिसमें अक्षय कुमार और अजय देवगन मेन लीड में थे। लेकिन फिल्म की सारी शूटिंग खत्म होने के बाद अजय देवगन ने अक्षय कुमार पर इल्जाम लगा दिया कि अक्षय कुमार ने डायरेक्टर संतोषी से बात करके अजय देवगन के बहुत सारे बेहतरीन सीन्स फिल्म से ही कटवा दिए हैं, ताकि अजय देवगन का किरदार थोड़ा कमजोर सा लगे। और यही सेम इल्जाम अक्षय ने भी अजय देवगन पर लगा दिया था कि अजय देवगन ने उनके कुछ शानदार शॉट्स कटवा दिए हैं, जिसके कारण इन दोनों की काफी लड़ाई भी हो गई थी। आखिर इस दुश्मनी के पीछे कारण क्या था, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बात साल 1979 की है, जब वेस्ट बंगाल की खाई में 64 लोग फंसे थे, और उन सभी को इंजीनियर जसवंत सिंह गिल ने बचाया था। और इसी बहादुरी को देखते हुए अजय देवगन ने इस हादसे पर एक फिल्म बनाने के बारे में सोचा था, और इसका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया गया था। और उसी समय अक्षय कुमार ने भी फिल्म बनाने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद इन दोनों के बीच काफी कहासुनी और बहसबाजी हुई, और कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। हालांकि इस फिल्म को रद्द ही कर दिया गया था। आपको बता दें कि इनकी दुश्मनी की वजह अक्षय कुमार की ब्यूटीफुल वाइफ ट्विंकल खन्ना भी है। जब ट्विंकल खन्ना और अजय देवगन इतिहास फिल्म में एक साथ काम कर रहे थे, तो उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर जबरदस्त झगड़ा हो गया था, और उन्हीं सभी वजहों के कारण अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना अजय देवगन के साथ किसी भी फिल्म में नजर नहीं आते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको इन सभी आश्चर्यजनक बातों को जानकर हैरानी हुई या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।